दोस्तों, हम सब जिंदगी में बस एक्सक्यूजेस ही मारते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, अगर ये होता तो हम ये कर सकते थे। जो कुछ नहीं है हम बस उसके लिए रोते रहते हैं। प्रॉब्लम्स की सल्यूशन ना सोचकर हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन जो कुछ है अगर उसको हम अपना ताकत बना के मेहनत करते तो हम भी उसकी बलबूते से सक्सेस के शिखर में ज़रूर पहुँच सकते हैं। बिना हाथ पैर के एक इंसान की ज़िंदगी कितना बुरा हो सकता है, हमको सोचने से ही डर लग जाता है। अगर हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता तो हम कब का ज़िंदगी से समझौता करके बचा हुआ जीवन को भगवान की एक अभिशाप मान के रह जाते हैं। दोस्तों, अब ताज्जुब हो जाएंगे ये सुन के कि आज ऐसे भी एक इंसान है ऑस्ट्रेलिया में जिसका ना हाथ है ना पैर, लेकिन आज उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कि एक नॉर्मल इंसान भी शायद ना कर सके, और अपने जीवन से ये आज पूरे दुनिया को प्रेरित कर रहा है। ये इंसान का नाम है निकोलस वुजिसिक। निकोलस का जन्म 4 दिसंबर 1982 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। बचपन से टेट्रा-अमेलिया सिंड्रोम बीमारी की वजह से उन्हें बिना हाथ पैर के ही जन्म होना पड़ा था। इसी के वजह से बचपन से ही उन्हें शारीरिक तौर से बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। स्कूल से लेकर हर जगह सब उसके अपाहिज होने पर खूब मजाक उड़ाते थे। ऐसे में मेंटली डिप्रेस होकर 10 साल की उम्र में ही इस बच्चे ने सुसाइड की अटेम्प्ट भी कर लिया था, लेकिन परिवार के प्यार ने उसे फिर से ज़िंदगी जीने की राह दिखाई। फिर एक दिन एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो कि एक फिजिकली डिसेबल इंसान के सक्सेस के ऊपर था, उसे पढ़कर उसका लाइफ को देखने की नज़रिया बदल गया और उसको ज़िंदगी में जीने की वजह भी मिल गया। अपने कमजोरी को ताकत बनाया और पैरों में निकली हुई छोटी सी फिंगर की मदद से उसने लिखना, टाइपिंग करना, कंप्यूटर और मोबाइल चलाना भी सीख गया। फिर 17 साल की उम्र में ही उसने अपने प्रेयर ग्रुप में स्पीच देना शुरू कर दिया और 21 साल की उम्र में ही निक ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया। साल 2005 में उसने लाइफ विदाउट लिम्स नाम का एक एनजीओ की शुरुआत की और उसके बाद 2007 में एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम की एक कंपनी की स्थापना भी कर लिया। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। निक आज दुनिया के सबसे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर में से एक हैं। 20 साल की उम्र से स्टार्ट हुई स्पीच से लेकर अब तक निक ने लगभग 70 देश की यात्रा कर चुके हैं और अपने जीवन से सबको प्रेरित भी कर रहे हैं और सबको जिंदगी जीने की तरीका सिखा रहे हैं। 2010 में द बटरफ्लाई सर्कस नाम की एक शॉर्ट फिल्म में भी एक्टिंग करके सबको प्रभावित किए हैं। निक एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के अलावा एक राइटर, म्यूजिशियन और आर्टिस्ट भी हैं। स्विमिंग और फुटबॉल में भी उनका बहुत रुचि है। दोस्तों, जो एक दिन परेशान हुआ करता था अपने ज़िंदगी से, आज उसने अपने बीवी कैने मियाहारा और अपने 4 बच्चों के साथ एकदम खुशी में ज़िंदगी जी रहा है। निक का मानना है कि अगर आपके साथ चमत्कार नहीं हो सकता तो खुद एक चमत्कार बन जाइए। देयर इज नो शॉर्टकट टू ए लॉन्ग एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। निक कहते हैं डर सबसे बड़ी बीमारी है। यह आदमी को व्हीलचेयर पर होने से भी ज़्यादा विकलांग बना देता है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, जो डर गया वो मर गया। इसी के साथ ही मैं ये संघर्ष भरी मोटिवेशनल कहानी को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो सच में ज़िंदगी जीने के लिए फिर से उम्मीद जगाई तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और आपके सारे फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हम सबकी सोच को बदल सकता है और हमारे जीवन में एक बदलाव ज़रूर ला सकता है। और मेरे अगले वीडियो में आप किसकी मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी को देखने चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही आने वाले मोटिवेशनल वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।